ये जो पॉश आपको हाउसिंग सोसाइटीज मेरे पीछे दिख रही है, इनकी वाटर बॉडीज में अक्सर घड़ियाल निकल आते हैं। और मैं मौजूद हूँ यूएसए की फ्लोरिडा स्टेट के अंदर, जिसमें कहा जाता है कि पूरी स्टेट की मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर या ऑलमोस्ट सब के अंदर कहीं ना कहीं घड़ियाल मौजूद है। इसीलिए इन पानी से थोड़ा सा दूरी रहना चाहिए। आज उस साइटिंग्स के ऊपर हम थोड़ी सी वीडियो बनाते हैं, क्योंकि अक्सर यहाँ पे लोगों के घरों के सामने सड़कों पे पार्क्स में बड़े बड़े घड़ियाल निकलते हैं। यहाँ तक कि GTA 6 का ट्रेलर भी अगर आपने देखा हो, उस गेम में भी फ्लोरिडा वाइस सिटी जो है वो बेसिकली मायामी की सारी शूटिंग है इसी एरिया की, उसके अंदर भी दिखता है कि एलिगेटर जो है किसी के स्विमिंग पूल में से निकल रहे हैं, उसको स्ट्रगल करके बाहर निकाल रहे हैं। मैंने मैडम कहा था रिवर्स लेके कर लो, पर मैडम कह रही है सीधे आके ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि कैंप ग्राउंड में जो ये है ये बहुत साथ चिपका हुआ है। क्योंकि ये जो लंबे एक्सल वाले व्हीकल होते हैं ना, इनका पिछवाड़ा उधर को जाता है, नॉर्मल गाड़ी का नहीं जाता अगर आप राइट कट ले रहे हो तो इसलिए उससे ना टकरा जाए, वो टेंशन थी बस। मैडम को अभी याद आया चलने से पहले अपनी गुर्गाबियां उतारी नहीं थी। I like them so much. I know, I know, I know. $5 only. $5 only? इस कैमरों में सिर्फ 50 एम्प की वो थी पावर, तो ये 50-30 कन्वर्टर मैंने हमको फ्री में दे दिया था, ताकि हमारे मोटर होम चल सके। 50 वाले बड़े मोटर होम में यूज होते हैं, जिनमें दो दो एसी होते हैं ना, इसलिए उनको रिटर्न कर देते हैं अभी। रीसेंट कुछ इयर्स के अंदर फ्लोरिडा की पॉपुलेशन, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, काफी स्पीड से बढ़ गई है, जिससे जो आदमी और एलिगेटर्स के टाकरे जो है ना वो काफी कॉमन हो गए हैं। और ये तो रेयर है कि किसी को कोई बहुत जबरदस्त किसी एलिगेटर की वजह से डायरेक्टली ह्यूमन को सीरियस इंजरी पहुंची हो, मगर टाकरा जो है ना आमतौर पे अक्सर होता ही। यहाँ पर कोई स्पेशल गाइडलाइन भी है कि एलिगेटर दिख जाए तो उसको कभी कुछ खिलाना नहीं है, सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखना है, और स्विमिंग सिर्फ डेजिग्नेटेड एरियाज के अंदर करनी है, क्योंकि फ्लोरिडा का वाटर बेड ही इतना हल्का है कि हर सोसाइटी में लोग कहते हैं कि उनको ना वाटर फ्रंट वाले रेजिडेंस चाहिए, तो फिर उनके साथ जो है थोड़े से ये रिस्क भी बढ़ जाते हैं। और जरा सा खोदो यहाँ पे नीचे जमीन में से पानी निकल आता है, इसीलिए मैंने पहले भी बताया था कि फ्लोरिडा में घरों में बेसमेंट्स भी नहीं होती, इसी वजह से ये जो जमीन और जो इलाका है ना ये एलिगेटर्स के लिए सूटेबल बहुत। ये देखो जी, ऐसे ही ये रेजिडेंशियल एरियाज बने हुए हैं और हर जगह पे यहाँ पे बीच में तालाब है या फाउंटेन्स है, जहां भी थोड़ी सी खुदाई हो जाए वहां पे ऐसे पानी जो है वाटर बॉडीज इकट्ठी हो जाती है और लोग प्रेफर भी करते हैं, उनको ये चाहिए। ये तो हमारे साइड पर जो गया ये वेकेशन होम है, और यहाँ पे स्पेशल लोगों को ये कहा जाता है कि अगर आपके पास पेट्स हैं तो उनको हमेशा लीश में रखना है और पानी के सरफेस से एटलीस्ट 10 फुट दूर रखना है, क्योंकि वो जो है ना क्रोकोडाइल का जो नेचुरल प्रे होता है उसको रिजेंबल करते हैं। और आप देख लो, अब जब पानी की बात कर रहा हर जगह पे एक अलग सोसाइटी आई है, सबको वाटर फ्रंट वाले घर चाहिए तो बनी हुई। यहाँ पे ना किसी के अंदर भी स्विमिंग अलाउड नहीं होती, इनके डेजिग्नेटेड स्विमिंग एरियाज बच्चों के लिए बने हुए हैं जो कि गेटेड होते हैं, उसी में सिर्फ डे लाइट टाइम में स्विमिंग अलाउड होती है। अब कोई भी सोसाइटी होती है उसके बाद उन्होंने कोई ऐसी नेचुरल वाटर बॉडी बनाई होती है तो वो हमेशा फेंस्ड आउट होती है, ताकि सोसाइटी के कोई भी लोग या जानवर या पेट्स किसी के भी ओपन वाटर को एक्सेस ना कर पाए, उनके जो इंटरनल स्विमिंग पूल है उन्हीं को एक्सेस कर पाए और वो किसी भी तरीके से उस पानी से कनेक्टेड ना हो। आगे हम जी गेटरलैंड, यहाँ पे सारे घड़ियाल के एक्सपीरियंस जितने होते हैं ना उनके बारे में बहुत कुछ जानने को मिलता है, वो हम आपके साथ थोड़ा आज शेयर करें। वो आगे गया था क्या, हमारी 5-5 पार्किंग घेर रहे हैं, चलो पीछे आओ घास में लगाओ। वो खड़े अंकल जी कह रहे हैं गड्डी आते लाओ। Okay. भाई ये क्या चीज है, मम्मी के साथ आया तो मजा अलग आता भाई जी। यहाँ पे जिप लाइनिंग भी होती है जिसमें नीचे घड़ियाल ही घड़ियाल होते हैं और उनके ऊपर से जाना होता है, अगर टूट गई डॉल विल यू डू दिस? नो भाई जी, ये रेट लिखे हुए मगर इनका पूरा पैकेज ले लो ना तो उसके अंदर गेटर को खिला भी सकते हैं, ट्रेन भी है, एडमिशन भी है, सिर्फ $5-7 फालतू है, तो इसलिए मैं लेते हैं। तो तेरी एंट्री पे नजारे शुरू हो गए तो बालक है यहाँ पर, बालकों के साथ बालक कितने मजे ले रहे हैं यहाँ देखो। यहाँ पे ना ये बहुत प्रमोट करते हैं कि फ्लोरिडा में को एग्जिस्ट विद दिस एनिमल, क्योंकि ये नेटिव है फ्लोरिडा के। जो लिए एक सबसे खतरनाक ड्रेडफुल साइट मेरे माइंड में रहती है ना कि मैं इसी पॉन्ड में घूम रहा हूँ ना नजर आ जाए वो पीछे है। ये इसकी बात कर रहा था मैं, ये आधे अधूरे बार लटे हुए दिखते हैं ना। इनके साथ ये पक्षी इतनी मौज में है क्योंकि इनके पेट भरे रहते होंगे, इसलिए इनको खाते नहीं होंगे जहां तक मेरा ख्याल है। ये बोर्ड तो बहुत दिखा होगा कि ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, ट्रेसपासर्स विल बी मेड टू वॉश डिशेस, यहाँ पे कुछ अलग लिखा है ट्रेसपासर्स विल बी ईटन,
बाय दीस गाइस। ये तो तैयार भी हो रहा है भाई, बाकी सब लेजी घूम रहे हैं। ओ ये तो फिर भी थोड़ा सा बंदा मैनेज कर सकता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा उंगली पाड़ लेंगे आपकी, मगर भाई फिर भी जानवर बड़ा जबरदस्त है। पूरा मुंह खोल के बैठा, बस बिच उंगली पाओ सही, मैं दंदी वाड़ लावा। यहाँ पे जिन घड़ियालों को ना खाना वाना खिलाते हैं, मगर वैसे कहते हैं कि कभी ये आपको ओपन में दिखे तो उनको खिलाना नहीं चाहिए, क्योंकि फिर ये ना मनुष्य से खाने को एसोसिएट करना शुरू कर देते हैं, और जो इनकी नेचुरल सुस्ती होती है ना वो इनमें से छूट सकती है। बट यहाँ पे तो सेफ एनवायरनमेंट है तो इनको इधर खिलाया जा सकता है, बट वाइल्ड लाइफ में कभी भी नहीं हमला। तकरीबन 2500 से ज्यादा यहाँ पे मौजूद है, आंखें इनकी अंधेरे में चमकती हैं, और इनका लाइफ स्पैन वैसे तो 30 से 50 साल का आ जाता है, मगर जो इनके पास सबसे पुराना बुढ़ा वाला है ना वो है 74 साल का हो गया, और जब पार्क खुला था तब से इनके पास है। यहाँ पे अलग अलग टाइम पे अलग अलग शो होते हैं, मगर जो संडे टाइम है ना वो यहाँ पड़े हुए भाई साहब। मैं कहना देखो जा रहा हूँ, आई तो सुस्ती, दोपहर की नैप हो रही है भाई, उसको देखो कैसे बिल्कुल ही खराटे मार रहा है अपने स्टाइल में, पड़ा मुर्दार की तरह। कभी आँख थोड़ी सी खोलते हैं, बंद कर लेते हैं, बिल्कुल ही फुल ऑन जिसे कहते हैं ना, सुस्ती का माहौल बना हुआ है। और तेरी फोटो भाई साहब, उसके मुंह में पट्टा बना हुआ है। How are you today? ये सारे कहते हैं गेटरलैंड के रेस्क्यूड पैरट्स हैं। बिजी यहाँ पे लिखा है, ये होला बोलता है स्पेनिश है, लोग इधर लिखा हुआ है। देख लो जी, पिंजरे विंजरे में नहीं है, जान अपने मर्जी से यहाँ पे रहते हैं। ओ भाई साहब, बच्चों की हिम्मत देखो। बाकी यहाँ पे लिखा है तोते जो है 40 से 80 साल तक जी सकते हैं, और उसको समझाया कि भाई अगर हिलने लगे ना तो पकड़ लेना। यहाँ पे कई सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट लिखे हुए एलिगेटर्स के बारे में, पाइथन्स वर्सेस एलिगेटर, मगर एक बड़ा दिलचस्प है कि क्रॉक कॉजेस अ प्लेन क्रैश। कोई जहाज में एक क्रोकोडाइल को बैग में स्मगल करके लेके जाने के चक्कर में था, और जब फ्लाइट नीचे आ रही थी तो वो बैग को फाड़ फूड़ के अगला बाहर निकल गया, जिसकी वजह से सारी भगदड़ मची, और भगदड़ मची तो सारे लोग इन एयर होस्टेस मिला के जो है आगे की तरफ भागे, और जब कॉकपिट की तरफ, और जहाज इम्बैलेंस हो गया और उससे संभाला नहीं गया, सिर्फ एक बंदा बचा, 19 यहाँ पर लिखा हुआ मारे गए। उस बंदे ने बाद में बताया कि असल में हुआ क्या था, और एलिगेटर जो या क्रोकोडाइल जो भी था क्रोकोडाइल वो बच गया, मगर उसको बाद में मशेती से जब लोग ढूंढ रहे थे अंदर रैकेज के अंदर तो किसी रेस्क्यूअर ने यहाँ पर लिखा हुआ कि एक बुल शार्क को भी पाड़ गई ऑस्ट्रेलिया में खा चुके, और इधर दिखाया हुआ कि भैया फेंस वंस अगर आपने लगाए भी हो ना तो ये जो है फेंस वंस पे भी कई बार चढ़ जाते हैं। जो शार्क पाड़ गया ना कहते हैं 80 साल का था वो, 18 फुट का और 2 टन का भाई, सब वजन सोचो उसका क्या बीस्ट होगा भाई साहब। यहाँ लिखा हुआ कि सफेद जो गेटर है पूरी दुनिया में सिर्फ 7 है, और गेटरलैंड में रहते हैं 3। तो भाई ये इतनी नायाब चीज है वाकई, जो है ना कोई भी एग्जॉटिक शिकारी, कोई भी ऐसा जो है कलेक्टर वलेक्टर, तो इसलिए ये बेचारे एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। ओ भाई डिमांड में रहते हैं ना, ऐटा वटा, मतलब पूरी दुनिया में जो आइटम सिर्फ 7 ही हो, देखने में तो भाई एग्जॉटिक तो लगती है थोड़ी। अभी बता रहे हैं कि सिर्फ 2 ही हैं डिस्प्ले में, क्योंकि तीसरा जो है जरा एक्सटेंडेड हनीमून पे गया हो अपने लेडी लव के साथ, क्योंकि इनका जो है ना अपना मिक्स्ड रोमांस चल रहा है यहाँ पे। Maybe. इनको देखो इतने ढीट हो गए हैं कि उनके ऊपर उन्हीं की पीठ पे जाके बैठ गए एलिगेटर। यहाँ तो जा रही है एक सेक्शन में जहाँ पे खूब सारे बर्ड है, आगे हाथों हाथों बैठ जाते हैं। वाह, बेसिकली ये स्टिक होती है, $2 में मिलती है, मगर ये कैश ओनली है, उसके उसमें फिर आपके पास आ जाते हैं ये, बट हमारे पास अभी कैश ही नहीं है। चलो खाना मिल गया गेटर्स का, ये हमारे पैकेज में था, बस अभी इनको खिलाना है बाहर निकाल के। आई थिंक दिस इज गुड स्पॉट। आई व्हाट इज दिस लैंडी लाइक? या इट लुक्स लाइक लैंडी। आर यू श्योर यू वांट टू टच इट? ओके, आई टॉक इट फॉर द बिग बॉय देयर। ओह देयर, दैट वन, दैट वन। Come on, it's here. You didn't find it, yeah. Come on, he's oh going. Wow. One big jump and it's in. Oh, someone threw there. हमें ये कहा गया है कि भैया जो पानी में हो ना उन्हीं को देना, उसी का मतलब उन्हीं को भूख लगी है, जो वहाँ पे अपना चिल कर रहे हैं ना, उनके ढेर भरे हुए हैं, आराम से सो रहे हैं अगले। भाई ये तो बिल्कुल ही अंकल है। या अगर इनकी आंखें भी साइड पे ना तो इसलिए, क्योंकि यहाँ आंखें तो ऐसे करके आते हैं खाने पे, सामने से नहीं लेते, साइड से आते हैं ये। See, don't they come from the side? See, yeah. From where the teeth are, not from the front. अरे वाह भाई, इतने सारे गुलाबी फ्लेमिंगोस। यहाँ पे दिखाया हुआ है कि कौन से रीजन से कौन सा कितना पिंक वाला फ्लेमिंगो निकलता है। ये तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितना बड़ा चूहा निकला संडे के साइज का। Oh,
like petting him. You feel like petting him? Yeah. You see his teeth? He's cute. Ye cheez hai bhai. Capybara. Largest living rodent. Rodent hai. Main keh raha tha na. Chuhe jaisa hai. Did you know they are autocoufragesus? What does that mean? They eat their own poop. Eh? सबसे लंबा और कहते हैं कि कैप्टिविटी में सबसे बड़ा पैदा हुआ भी है 14 फुट का और तकरीबन 1000 पाउंड से ऊपर इसका वजन है ये भाई साहब अगर आप में जिगरा हो ना तो ये ऊपर से जो तार जा रही है इस पे जिप लाइन करते हुए आप जा सकते हो और नीचे जो है भरे बैठे हैं मगरमच्छ इनके ऊपर से होते हुए वो जा रहा भाई ओ गया और नीचे गया उसके हेलीकॉप्टर टूर आ गई डॉल डू यू वांट टू डू द जिप लाइन ओवर दीज क्रोकोडाइल्स आई डोंट थिंक सो But I don't think they will be very hungry. You see, they're all lazy. People feed them. They feed, no people problem. People feed them there. Here, I don't think so. Do you want to try? Just throw one and maybe we can see. Let's see. If they are really hungry or be able to Sandra kare yahan pe zyada bhook lagi hogi inko thank you target for that big one which one that big one that is going there but he's facing the other side okay chalo you try that was not bad oh wow these guys are really hungry I don't want to be on that zip line doll if you all people come here to feed them yeah less people come here to feed them totally wow look at them they are fighting for it I had to throw right in the middle okay Oh. Oh. Yeah, the 3-4 of them are jumping. It means all 4 of them, doll. Oh, they're all fighting. Coming. They're all coming. Oh, it means they are really hungry. Oh, bhai, sab halchal ho gayi. Ek dusre ke upar chad chad ke aa rahe hain. All moving. They will rip apart a person in no time. Ye jo zipline hai, ye kafi neechi hai. Aur bilkul inke upar se nikalti hai, bukhon ke upar se. और आगे प्रोटेक्टिव केज दे हैव आल्सो मेड इन केस समवन ड्रॉप्स टू लो भाई चला वेयर दे कांट गो ओके लेट्स सी वो उसको होल्ड कैसे घबरा गया यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये व्हाइट वाले जो है ना इनके घड़ियाल के ऊपर क्यों बैठ रहे थे क्योंकि ये एक तरीके से इनके बॉडीगार्ड का काम करते हैं क्योंकि जो इनके नेस्ट होते हैं ना उनके नेस्ट पे जो हमला करने वाले जानवर होते हैं क्रोकोडाइल असल में उनको खा के पट लेता है जो नेस्ट के प्रेडेटर होते हैं इसीलिए ये इनके पास रहते हैं आप बोल रहे जी बढ़िया शो है वो भी देख लेंगे See it's quick, it's easy guys. भाई ये वास्ते भी हिम्मत चाहिए भाई बता रहे हैं कि पूरे फ्लोरिडा में 20 लाख एलिगेटर हैं और उनका स्टेट शेयर करते हैं ओह 90% मसल है भाई साहब ओह वाओ Why we did it? तरीका समझाया है कि कैसे ऊपर आना होता है पूंछ से फिर पीठ से फिर मुंह पे अंदर गई ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि कई लोग कहते हैं कि आपको एलिगेटर खा रहा हो तो उसकी आंख पोक करो मगर आंख अंदर ले जाते हो स्कल के तो इसलिए वो भी इफेक्टिव नहीं है Let's say you find yourself in an unfortunate situation. What you guys want to go for instead is the alligator's nose. Oh. You know, give it a few punches, smacks, do what you can, but go for the alligator's nose. Believe it or not, alligators, they have probably one of the best dental plans in the animal kingdom. Because just like sharks, alligators are constantly losing their teeth. A single alligator, they can lose anywhere from 2,000 to 3,000 teeth throughout their lifetime. Wow. Yeah, the reason why they're losing that many teeth is because they're biting down on hard objects like turtle shells, bones, other alligators, stuff like that. And a gator of this size, it easily has about 1,000 pounds of crushing force per square inch. Oh. Okay. I peed a little bit, but. वो बंदा ये बताता था कि जब ये अपने दांत बंद करते हैं तो शायद 1,000 पाउंड के आसपास की फोर्स हो सकती है 1 इंच के ऊपर इतनी सख्ती से बंद करते हैं मगर खोलने के लिए ना उनके अंदर इतनी जान नहीं होती तो इसलिए अगर एक बार इनका मुंह बंद करके आप ऐसे पकड़ लो तो एक हाथ से भी बंदा पकड़ के इनका मुंह पीछे से रख सकता है और इनके जॉ जो है चाहे वो क्रोकोडाइल हो चाहे वो एलिगेटर खुलते दोनों के नीचे की तरफ ही है
और बाय चांस ऐसी आइटम आपके मगर पड़ जाएगा तो बस भाग लेने का, और ये नहीं कि जिगजैग भागो, क्योंकि ये पैरेलली रनिंग जीव होते हैं, ये जिगजैग हमसे ज्यादा तेजी से कर सकते हैं, मगर उनकी स्पीड ओवरऑल 5 से 7 मील प्रति घंटा होती है 10-12 किलोमीटर के पर आर के आसपास। यू कैन आउट रन दम, और ये जो है ना बहुत तेजी से एकदम झटका मार के चढ़ सकते हैं, मगर ओवरऑल ज्यादा लंबा नहीं भाग सकते क्योंकि थक जल्दी जाते हैं, और अगर ये चाहे तो वैसे ही है इधर भी आ ही सकता है, तो इसलिए मैं जरा इनसे दूर। Wow, that is a big bird there. Is that not an ostrich? Yes. I mean, it must be in the same family, yeah, but this one is named Imu. ऑस्ट्रेलिया से आए हैं। Ostrich. हाँ, Lestrade. मतलब ऑस्ट्रिच से ऊंचाई थोड़ी सी कम है मगर है ऑस्ट्रेलियन। Not interested. See? Oh. And be careful. There are snakes and other wildlife here in open, okay? Yeah, because we are crossing like jungle here, there can be anything. और ये आइटम जड़ी है ना, ये पैसा अपनी नाक जो है बंद कर लेती है, अगर इसको स्मेल्स मूल जो है ढंग की पसंद ना आ रही हो, और नाक बंद करने की वजह से पानी के अंदर भी जा सकते हैं 2 घंटे पानी के नीचे रह के, जहाँ पर इनका मन करे वहाँ से निकल आते हैं, इसीलिए अगर स्वाम्प टू स्वाम्प के अंदर कोई ना कोई कनेक्शन हो तो भाई साहब इनके कहीं पहुँचने को लिमिट नहीं है। ये जो है ना भाई, इसको अलग रखा हुआ है क्योंकि ये बड़ा लड़ाका है, हर किसी से लड़ता रहता है, तो इसलिए इसको अलग इलाके में यहाँ से करके रखा है कि औरों को पान ना दे। See, they say it's missing too. देखो जी, एक अंगूठा भी इसका गायब है क्योंकि लड़ाइयाँ इतनी करता है, और इनके जो है ना एक घड़ियाल एक बार की जिंदगी में 2000 दांत तक गवा सकता है, शार्क की तरह इनके दांत भी बड़ी जल्दी आ जाते हैं, और इसको सिर्फ इसकी बंदी मिलना अलाउड है, बाकी और किसी के आसपास से बर्दाश्त नहीं। भाई साहब बड़ी देर से ये सो रहे थे, जैसे ही ऊपर थोड़ी एक्टिविटी शुरू हुई है एकदम जाग गए। बाकी जी आज की वीडियो में इतना ही, पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकॉन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।